Okay, so these are called organic chain reactions. In this we will use many reagents. These are the reagents we have taken on the arrows. And in organic chemistry, if we are through with the reagents, we will be able to do most of the reactions, organic reactions. Okay, so we don't need to cram organic reactions in chapters and all. So, jo bhi log isko video mein dekh rahe hain, wo sabse pehle to ye puri chain ko copy kar le, and then one by one, we will find out what is the product A and what is the product B and so on. Okay, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले ये चेन लिख लें पूरी, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से. तो सबसे पहले जो आपको नोट डाउन करना है वो ये कि PCl5 का फंक्शन क्या है. सो राइट डाउन कि फंक्शन ऑफ PCl5 इज टू रिप्लेस OH ग्रुप बाय Cl, टू रिप्लेस OH ग्रुप Cl. अगर हम यहां पे PBr5 लेंगे तो वो OH ग्रुप को Br से रिप्लेस कर लेगा. अगर कभी एग्जामिनेशन में PX5 या PX3 भी दिया हो तो हम OH हटा के X लगा लेंगे, वेयर X स्टैंड्स फॉर एनी हेलोजन. तो बेसिकली जो याद रखना है वो ये कि ये जो रिएजेंट है ये OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है किससे, Cl से. तो हमारे सबस्ट्रेट में जहां पे भी OH है, वहां पे हम क्या लगा देंगे, Cl. इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो एक बार देख लीजिए, लेकिन ये पूरी रिएक्शन आपको याद रहे तो भी अच्छा है, नहीं याद रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये रिएक्शन हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में समझ रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट. ओके, तो मैं इसको एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूं और इसमें शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि PCl5 से कैसे रिएक्शन हो सकती है और हमें कैसे प्रोडक्ट बनता है. एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक, एक पी और तीन सीएल हम देते हैं ओ को, एक सीएल हम देते हैं एच को. तो एक बार प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकल गया, एच सी एल. एक बार प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकल गया, Cl3. अब देखिए हमने ऑलरेडी एक पी और चार सीएल यूज कर लिए, तो चार सीएल यूज हो गए पांच में से, तो एक सीएल हमारे पास और बचा हुआ है अभी. तो इसको हमने बोला बाय प्रोडक्ट है, इसको हमने बाय प्रोडक्ट बोला है. तो यहां पे जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बचता है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, वो क्या बचेगा, C2H5Cl. तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज C2H5Cl. ओके, तो सबस्ट्रेट हमारे पास क्या था, C2H5OH. रिएजेंट हमने क्या यूज किया, PCl5. और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, C2H5Cl. तो बेसिकली ये रिएक्शन में हमें पूरी रिएक्शन याद रहे, बाय प्रोडक्ट याद रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इनको हम शॉर्टकट मेथड से ही देखने वाले हैं. और क्योंकि जेई मेंस में जनरली हमें प्रोडक्ट पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें यह नहीं पूछा जाता कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा. तो हमें सबसे पहले तो यह थॉरो होना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके लिए ये कुछ शॉर्टकट मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं. तो C2H5OH हमने लिया, ये सबस्ट्रेट था, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिला, C2H5Cl. तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ यह कि OH ग्रुप रिप्लेस हो गया किससे, Cl से. तो हमने फंक्शन वैसे भी लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या है PCl5 का, इधर दे विल गिव यू PCl5 और दे कैन गिव यू PCl3. PCl3 में बाय प्रोडक्ट बदल जाएंगे लेकिन मेन प्रोडक्ट वही रहेगा. और दे कैन गिव यू PX5 और दे कैन गिव यू PX3, वट एवर. वो आपको सिर्फ OH ग्रुप को रिप्लेस करके जो भी रिएजेंट दिया हो उस हिसाब से आप उसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेना. PCl5 या PCl3 दिया हो तो OH हटा के Cl लगा लेना, PX5 या PX3 दिया तो OH हटा के X लगा लेना, that will be same. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास A प्रोडक्ट क्या बन गया, A प्रोडक्ट हमारे पास बन गया क्लोरोइथेन C2H5Cl. क्या बन गया, C2H5Cl क्लोरोइथेन. अब इसकी रिएक्शन हमें करनी है किससे, एल्कोहलिक KOH से. तो सबसे पहले तो आप ये लिख लें वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम एल्कोहलिक KOH पे आएंगे. ठीक है, तो इसको समझ लें कि PCl5 का फंक्शन क्या है, OH हटा के हेलोजन लगाना या Cl लगाना अगर PCl5 दिया है तो. दूसरा रिएजेंट जो हम ले रहे हैं, एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH का फंक्शन क्या है, एल्कोहलिक KOH लिख लें, दिस इज डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट. डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, डी मतलब रिमूवल. कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी आ रहा है, डीहैलोजिनेशन मतलब हेलोजन हटाना, डीहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हटाना,
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन हटाना, तो हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन। तो इसमें रिएक्शन में क्या क्या रिमूव होंगे, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा सबस्ट्रेट में से और हेलोजन भी रिमूव होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हेलोजन भी है सीएल और हाइड्रोजन कार्बन से जो अटैच्ड है वो तो है ही। तो इसका एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। एलिमिनेशन डिपेंड करता है E1 हो रहा है कि E2 हो रहा है कि E1 CB हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमने सबस्ट्रेट कैसा लिया है और उसमें से हेलोजन जाने के बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा कि सेकेंडरी बनेगा। बट नाउ एट दिस मोमेंट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन और E1 CB और व्हाटएवर, वी आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट द प्रोडक्ट व्हाट वी कैन फॉर्म बाय शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कि अगर ये डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है तो इसका मैं आपको याद रखने के लिए एक तरीका बता देता हूं कि अगर हमने अल्कोहलिक KOH लिया है तो एक यहां से आप बाय प्रोडक्ट निकाल दें KCl और यहां से आप बाय प्रोडक्ट निकाल दें H2O। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑल्दो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में रहेंगे, K+ Cl नेगेटिव के साथ जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ जाएगा, बट यहां पे मैं क्योंकि आपको शॉर्टकट मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप प्रोडक्ट आसानी से बना पाए, इसलिए मैं इसको इस तरीके से करके आपको मैं इस तरीके से और थोड़ा सा इसको इजी सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि अगर अल्कोहलिक KOH है और इसकी रिएक्शन C2H5 से Cl से करनी है तो एक बाय प्रोडक्ट आप निकाल दें KCl और एक बाय प्रोडक्ट निकाल दें आप H2O। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास क्या हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए ये बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा, सी डबल बॉन्ड सी विद टू हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन बन गया, तो ये हाइड्रोकार्बन बनाने की हमारे पास मेथड हो गई। तो 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, 12th क्लास में हेलो एल्केन्स चैप्टर है, तो हेलो एल्केन्स बनाने की ये मेथड हो गई और हेलो एल्केन से एल्कोहलिक KOH की जब रिएक्शन करी तो C2H4 बन गया, तो ये एल्कीन बनाने की मेथड हो गई। तो देखिए इसमें दो रिएजेंट में ही हमारे एक तो क्या कवर हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या एल्कीन, और यहां पे क्या कवर हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और दूसरी बात ये हेलो एल्केन ऑलरेडी है क्लोरोइथेन और उससे हम C2H4 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि व्हेन C2H5Cl रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH तब क्या बनेगा, C2H4। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है PCl5 से और ये बना रहा है, और इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई C2H5Cl की एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करने के बाद ये C2H4 देगा। तो देखिए चार क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं इसमें से, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोइथेन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ C2H4। तो सिर्फ ये रिएजेंट के फंक्शंस अगर आप याद कर लेंगे तो ये रिएजेंट के फंक्शन से ही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बिना बुक खोले 80% रिएक्शंस यू विल बी थॉरो विद। तो दिस इज द मैजिक ऑफ एक्चुअली चेन रिएक्शंस, राइट। तो यहां पे हमारे बन गया इथीन। तो अब जो भी लोग समझ रहे थे उनको लिखना हो तो ये वीडियो पॉज करके वो लोग ये एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है C2H4 का ओजोनोलिसिस। जब हम जिंक की प्रेजेंस में करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इसलिए बोलते हैं कि फर्दर उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ओजोन जो है वो क्या ऑक्सीडेशन एजेंट है तो वो इस C2H4 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा और ज्यादा जो भी एक स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए वो प्रोडक्ट, उससे रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिंक। ये जो थ्योरी लेक्चर्स हैं, थ्योरी वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें और डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज मैं सिर्फ क्योंकि आपको ये चेन सॉल्व करना बता रहा हूं इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी अगर आपको और ओजोनोलिसिस के बारे में पता करना हो तो यू कैन वॉच थ्योरी लेक्चर ऑल्सो, ओके। तो अब C2H4 का हम करने जा रहे हैं ओजोनोलिसिस, विच इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक का यहाँ पे कई बार SO2 भी दिया हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड और जिंक दोनों की प्रेजेंस में अगर ओजोनोलिसिस हो रही है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओके। अब इसमें फिर से मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बताता हूँ कि अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो आप कुछ ना करें, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दें,
दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो हम ये मान सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे फ्री हो गए और दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि इन दो बॉन्ड्स में दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी इन्वॉल्व थे और दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी इन्वॉल्व थे, राइट? तो ये दोनों बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी टू होती है तो ये दो बॉन्ड बनाएगा, इसलिए एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड से यहां अटैच कर दें और एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड से यहां अटैच कर दें। अब देखिए ये दोनों के बीच का कनेक्शन तो टूट चुका है, तो एक ये पार्ट अलग हो गया है और ये एक पार्ट अलग हो गया है। ये पार्ट में क्या बना? HCHO। इस पार्ट में भी क्या बना? HCHO। मतलब टू मोल्स ऑफ हमारे पास क्या बने? HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया ओजोनोलिसिस करके, किसकी ओजोनोलिसिस करके? इथीन की ओजोनोलिसिस करके। अब ये इथीन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई और फॉर्मल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। और जब हम चेन लेते हैं तो हम दो मोल बने कि चार मोल बने वो लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ प्रोडक्ट, अगर HCHO ही बन रहे हैं, दो मोल हैं कि 10 मोल हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोडक्ट अगर सिंगल है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, तो हम यहां पे सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। ओके, तो ओजोनोलिसिस ऑफ इथिन विल गिव अस फॉर्मल्डिहाइड। अब 12th में ही ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के नाम से भी कुछ बोर्ड्स में होता है ये। तो HCHO हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गई? एल्डिहाइड भी हो गई। ओके, अब एल्डिहाइड की रिएक्शन हमें किससे करनी है? CH3MgBr से। CH3MgBr इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये कुछ एक दो फंक्शनल ग्रुप्स को छोड़ के, जैसे ईथर्स हैं उनको छोड़ के, ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है। और जब ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रोड्यूस भी करेगा, तो ये हर चैप्टर में ऑर्गेनिक में ग्रिगनार्ड रिएजेंट आएगा। तो यहां से आप बिल्कुल ध्यान रखें ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, इसमें तो एक ही रिएक्शन, या हम दो जगह पे या तीन जगह पे यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे तो ग्रिगनार्ड कवर करेंगे, लेकिन थ्योरी लेक्चर्स में आपको ग्रिगनार्ड और डिटेल में मिलेगा। अभी हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। तो इसको देख लीजिए ये कैसा फंक्शन करता है। HCHO हमारे पास है, HCHO और प्लस ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम ले रहे हैं CH3MgBr। देखिए मेटल वाला पार्ट है, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करनी है तो मेटल वाले पार्ट को हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज देंगे और बाकी बचे हुए पार्ट को हम नेगेटिव चार्ज देंगे। इसकी पोलैरिटी हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं जैसे वाटर की पोलैरिटी हम डिसाइड करते हैं कि एच पार्ट पॉजिटिव ओ एच पार्ट नेगेटिव। कैसे करते हैं हम ये हम इस तरीके से भी करते हैं कि जैसे हमने लिया H2O, H2O लिया तो हम ये मान सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बायवेलेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दो इस पे हम नेगेटिव चार्ज बना लें, और हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम दोनों पे एक एक पॉजिटिव चार्ज बना लें। अगर अब हमें इसे ब्रेक करना है दो एक प्लस और एक माइनस पार्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, तो सपोज हम यहां से ले रहे हैं तो इस पार्ट में हो गया पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ने एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? नलिफाई कर दिया। तो इस पार्ट में क्या चार्ज बचा? इस पार्ट में चार्ज बचा सिर्फ नेगेटिव। तो इस तरीके से हम पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं वाटर की, कि एच पॉजिटिव पार्ट एंड ओ एच नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जैसे मुझे ग्रिगनार्ड की डिसाइड करनी है तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि मेरे पास CH3MgBr है, Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, 282 उसका कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और मेटल है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो दो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है हमेशा, इसलिए इस पार्ट पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या होने चाहिए? नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। तो दो पॉजिटिव है, एक इधर नेगेटिव दिख रहा है, तो ये पार्ट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अब अगर इसकी हमें पोलैरिटी डिसाइड करनी है तो इस पार्ट को मैं मान लेता हूं कि दिस पार्ट इज नेगेटिव और यहाँ पे दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को नलिफाई कर दिया, तो ओवरऑल चार्ज जो इस पार्ट पे बचा वो क्या बचा? पॉजिटिव बचा। ओवरऑल इस पार्ट पे जो चार्ज बचा दैट इज पॉजिटिव। तो अब हमने इसकी पोलैरिटी डिसाइड कर ली कि इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट द एल्काइल पार्ट इज नेगेटिव एंड दिस पार्ट इज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए CH3MgBr में हमने पोलैरिटी डिसाइड कर ली। अब ये पोलर मॉलिक्यूल जब इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से इधर पहुंच जाएगा, और पाई बॉन्ड अगर इधर चला गया तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन नेगेटिव कहलाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव कहलाएगा। अब नेगेटिव किस पे अटैक कर रहा है? नेगेटिव पे।
तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओ पे आ गया एम जी बी आर, यहाँ पे पहले से एच था और के अटैच हो गया सी एच थ्री। और हमेशा याद रखिए कि हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करने के बाद इसमें क्या कर रहे हैं, एच टू ओ हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस इसलिए जरूरी है कि जब तक इसमें मेटेलिक पार्ट है तब तक बॉन्डिंग आयनिक होगी इस पार्ट में और वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा, इसलिए हाइड्रोलिसिस। और ये पार्ट रिएक्टिव भी बहुत है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो रिएक्टिव है तो मॉइस्चर से रिएक्ट भी करेगा, इतना रिएक्टिव है। तो हम इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए वैसे भी हमेशा इसमें क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ओके, तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, हाइड्रोलिसिस में हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ओ नेगेटिव पार्ट है तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट एच उसको दे दें, और एमजीबीआर पॉजिटिव पार्ट था तो वाटर का ओ एच नेगेटिव पार्ट उसे दे दें। तो यहां से ये एक बाय प्रोडक्ट निकल गया हमारे पास, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये यहाँ ओ एच आ गया तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, सी एच थ्री, दिस इज सी एच टू एंड दिस इज ओ एच। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया दैट इज सी टू एच फाइव ओ एच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एच सी एच ओ की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज एल्कोहल। ठीक है, और ये एल्कोहल भी कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि ओ एच इसमें कौन से कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। तो ये क्या बनाने की मेथड हो गई, प्राइमरी अल्कोहल बनाने की मेथड हो गई। तो डी प्रोडक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डी प्रोडक्ट इज आर सी टू एच फाइव ओ एच। डी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सी टू एच फाइव ओ एच। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ सी टू एच फाइव ओ एच से ही शुरू किया था और अभी डी में वापस क्या बन गया, सी टू एच फाइव ओ एच। तो हम वही पहुंच गए जहां से शुरू किया था, लेकिन इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर हो गई, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर हो गई, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर हो गई C2H4 बनाने में और C2H4 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर हो गई, फिर फॉर्मल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर हो गई और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर हो गई, एंड देन यहां पे क्या हुआ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर हो गई और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर हो गई, यहां पे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें नहीं मालूम थी। तो अब हम जैसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोई भी कंपाउंड, तो हमें बार बार ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी अगर ये रिएजेंट से आप थॉरो हैं तो, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी कि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ये जितने रिएजेंट्स, इनमें भी कुछ एडिशन होगा लेकिन जितने रिएजेंट्स अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं इनमें आप देखोगे कि कई सारे कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी। ओके, नाउ C2H5OH की हमें कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से रिएक्शन करनी है और हमें बनाना है ई। तब कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हम रेड हॉट कॉपर भी बोलते हैं, बुक्स में रेड हॉट कॉपर भी लिखा हुआ आता है, रेड हॉट कॉपर। ठीक है, और कई बार इसको डिग्री सेंटीग्रेड में ना देके डिग्री केल्विन में भी दे देते हैं तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका टेबल आप लिख लें रेड हॉट कॉपर का, रेड हॉट कॉपर को अगर हम प्राइमरी करता है, रेड हॉट कॉपर को अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में डालें तो वो कीटोन फॉर्म करता है, और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल में डालें तो वो एल्कीन फॉर्म करता है। ठीक है, थ्योरी मैंने बताया है कि ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, और अभी भी मैं आपको यहाँ पे एक C2H5OH का कॉपर से रिएक्शन हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो भी मैं बताता हूँ। तो ये आप टेबल लिख लें पहले, तो उसके बाद इसमें हम C2H5OH में जब हम रेड हॉट है कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्रोसेस जो होती है वो होती है डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर कार्बन पे ऑक्सीजन पे फ्री हुआ, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, एंड दीज ऑल आर माइंडेड, दीज ऑल आर शॉर्टकट मेथड्स। ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर द प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ आ चुका है और यहाँ पे एच आ चुका है, तो दिस इज सी एच थ्री सी एच ओ, और ये क्या बन गया हमारे पास एल्डिहाइड, और कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड, कॉमन नेम है एसिटल डिहाइड। तो अब फॉर्मल से करके इथेनॉल मिला और कॉपर से की तो सी एच थ्री सी एच ओ मिल गया। तो देखिए ये कन्वर्जन भी हो गया यहां से मेथड, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कन्वर्ट फॉर्मल डिहाइड इंटू इथेनॉल या एसिडल डिहाइड तो
ये दो स्टेप में ही आपका फॉर्मल्डिहाइड से किसमें कन्वर्ट हो गया, दो स्टेप में ही फॉर्मल्डिहाइड से आपका कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें फिर से किससे करनी है, पीसीएल5 से। इसकी रिएक्शन अगर हमें पीसीएल5 से करनी है तो देखिए पीसीएल5 का फंक्शन अभी हमने देखा था कि अगर अल्कोहल ग्रुप है तो OH हटा के क्या लगाएगा, Cl, और अगर एल्डिहाइड आ गया तब रिएक्शन हमें कैसे करनी है वो देखिएगा कि ये दोनों बॉन्ड हमने ब्रेक किए और O को हमने पहले भी एक P और क्या दिए थे, तीन Cl दिए थे, एक P और तीन Cl दिए थे, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, POCl3। अब ये जब दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन भी कितने फ्री होंगे, दो, और PCl5 में से एक P और तीन Cl हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो कितने बचे हुए, दो, तो हम ये दोनों बचे हुए Cl किसको दे देंगे, कार्बन को दे देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया CH3CHCl2, CH3CHCl2। अब सेम कार्बन पे जब दो Cl होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहैलाइड्स या जेम डायहैलाइड्स। तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई किसकी, जेम डायहैलाइड की, जो एल्कोहेलो एल्केन चैप्टर में काम आएगा हमें, जेमिनल डायहैलाइड, और इसको हम 1-1 डायक्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये PCl5 का फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो फंक्शनल ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप था उसको हटा के इसने हैलोजिनेट कर दिया। तो बेसिकली OH को हटा के भी ये हैलोजिनेट कर देता है और कार्बोनाइल ग्रुप को भी हैलोजिनेट कर देता है। तो PCl5 एक बहुत ही अच्छा क्या है, हैलोजिनेटिंग एजेंट। तो इसको हम याद रखेंगे क्योंकि हमें कभी भी हैलोजन अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप में लगाना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 1-1 डाइक्लोरोइथेन, कौन, F। अब इसकी रिएक्शन हमें करनी है NaNH2 से। NaNH2 में भी आप लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो अ डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट। हमने और कौन सा डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने यूज किया था एल्कोहलिक KOH। अब देखिए एल्कोहलिक KOH भी डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है और हम NaNH2 को भी डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी एक Cl अगर हमें हटाना होगा, एक हैलोजन, तो हम एल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं, और अगर हमें दो Cl हटाने होंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट लेना होगा, और स्ट्रॉन्गर डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट अगर हमें यूज करना है तो हम यूज करते हैं NaNH2। क्या यूज करते हैं, NaNH2। तो इसमें फंक्शन सेम वही है, सिर्फ इसकी हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसकी, NaNH2 की। और जनरली दो हैलोजन्स को हटाने के लिए जो यूज किया जाता है वो NaNH2 यूज किया जाता है। अब इसको भी मैं शॉर्टकट में इसको इस तरीके से बता सकता हूं कि यहां पे देखो, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि ये आयनिक कंपाउंड अगर बनने जा रहा है तो वो तो बनेगा ही, क्योंकि वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, NaCl विच इज एन आयनिक कंपाउंड, तो यहां दो बॉन्ड ब्रेक हुए, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। अब एक्चुअली ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते नहीं है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि हमें अभी ये याद रहे कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। और यहां पे NaCl निकलेगा, यहां पे NH2 और HCl है तो NH3 निकलेगा, तो नीचे भी दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, नीचे दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नीचे भी क्या बनेगा, बॉन्ड क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसमें NaNH2 से रिएक्शन करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी क्या, दैट वुड बी CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज इथाइन विच इज अगेन एन हाइड्रोकार्बन। तो ये 11th वालों के लिए हो गया कि 11th वालों को अगर इथाइन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन चाहिए तो ये हो गई हमारे पास। और हेलो 12th में क्या काम आएगा, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि 1-1 डायहेलो इथेन को अगर हमें NaNH2 डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इथाइन। तो जी प्रोडक्ट जो हमारे पास हो गया, वो जी प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, इथाइन। ओके, सो जी प्रोडक्ट आई एम राइटिंग इज इथाइन। अब ये Hg+2+H+, इस पे भी आप दो स्टार बना सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको हम यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस में, स्पेशली हाइड्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोलिसिस कैसे है कि यहाँ पे हम ले लेंगे C2H2 और Hg++H+ अगर आए तो रिएक्शन हमें करानी है वाटर से, ये याद रखें क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। और यहाँ पे हम H और OH ले लेते हैं, H+ और OH नेगेटिव। और यहाँ पे इसको शॉर्टकट मेथड में मैं इस तरीके से बताऊंगा कि ये पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और हमें मालूम है कि पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो सपोज हमने इसको तोड़ दिया, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, अब
मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि किसी भी एडेंडम का जो जुड़ने वाली चीज है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन दोनों के पास एक एक ही हाइड्रोजन है, तो मैं किसी को भी दे सकता हूं। तो OH मैंने इधर दे दिया और H मैंने इधर दिया, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की जरूरत है भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये बेसिक मैकेनिज्म से नहीं मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। बट एनीवे यहाँ पे हम लिख के इसको आगे क्योंकि काम आएगा वो लिख लेते हैं। तो पहले ये बनेगा CH2 और डबल बॉन्ड CHOH, और वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनॉल फॉर्म है और इसको हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो H चला जाएगा इधर और ये बॉन्ड आ जाएगा C और O के बीच में। अगर इसके लिए आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टॉटोमेरिज में एक बार पढ़ सकते हैं। टॉटोमेरिज में अगर आप पढ़ेंगे तो ये इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी कोई बड़ी चीज नहीं है, H को यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन और एल्कोहल है तो ऑल, तो ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। और इस डबल ऑक्सीजन क्योंकि H जा रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हो जाएगी, इसलिए मैं बॉन्ड को इधर ला रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, तो ये CH3CHO बन गया। CHO LDHydride है, दो कार्बन का LDHydride है, तो इसका कॉमन नेम भी क्या हो गया, एसिड LDHydride। इसका कॉमन नेम भी क्या हो गया, एसिड LDHydride, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास H प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिड LDHydride CH3CHO, क्या बन गया, CH3CHO, ओके। तो ये इथेनॉल बनाने की फिर से मेथड हो गई, और किससे बनाया इस बार हमने, हाइड्रोकार्बन से बनाया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास CH3CHO का ग्रिग्नार्ड से। तो जैसे हमने HCHO का किया था सेम वैसे ही हम CH3CHO का करेंगे। इसमें हम देख चुके हैं कि ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से दिस ऑक्सीजन वुड बी नेगेटिव एंड कार्बन वुड बी पॉजिटिव। नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा नेगेटिव पे। तो ये पहले क्या बनेगा, CH3O, O पे MgBr अटैच हो गया है, यहाँ पे H था और यहाँ पे CH3। और अब क्या करना है, ये फाइनल प्रोडक्ट है क्या, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसके बाद इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में ये पार्ट हो गया OH, ये पार्ट हो गया H, इसको हमने बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल दिया। तो ये बन जाएगा CH3OH CH3 और H, मतलब ये बनेगा 2-propanol। तो ये हो गया CH3CHOH CH3 2-propanol, ठीक है। इसका कॉपर से करना है, कॉपर में हमने देखा था क्या, सेकेंडरी अल्कोहल है ये, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। सेकेंडरी कार्बन क्या देते हैं, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं, रेड हॉट कॉपर से, इनमें प्रोसेस इसमें भी डिहाइड्रोजिनेशन होती है। और ये क्या देंगे प्रोडक्ट, कीटोन्स हमने लिखा था आप अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले, मैंने कॉपर की रेड हॉट कॉपर की टेबल लिखी थी, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और टर्शियरी अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन में यहाँ पे भी समझा सकता हूँ, ये दोनों एच निकल गए तो इस सी पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इस ओ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CO CH3, ठीक है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3CO CH3 विच इज अ कीटोन। और इस कीटोन की रिएक्शन हमें फिर से किससे करनी है, CH3MgBr से। सेम रिएक्शन होगी जो हमने CH3CO CHO से की थी, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर देंगे CH3, और यहाँ पे भी ऑलरेडी क्या है CH3, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा CH3। अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा, सेम रिएक्शन होनी है क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड ही है। जैसी HCHO में रिएक्शन होगी वैसे ही सेम CH3CHO में होगी, वैसे ही सेम CH3COCH3 में होगी। फर्क यह है कि HCHO की जब ग्रिग्नार्ड से होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, CH3CHO की होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। हम देख चुके हैं यहाँ पे हमने क्या बनाया, प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल। और अब हम कीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि इसमें अल्कोहल जो अटैच्ड है वो कौन से कार्बन से, टर्शियरी कार्बन से, तो ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया। और के प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 2-methyl-propanol-2 या 2-methyl-2-propanol, ठीक है। और फाइनली हमें इसकी रिएक्शन करनी है किससे, NHZNCl2 और कंसेंट्रेटेड HCl के कॉम्बिनेशन से, जिसको हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकस रिएजेंट। और ये टेस्ट भी होता है, ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में
टेस्ट करने के लिए, और टर्शियरी अल्कोहल इसमें सबसे ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है, और इसमें OH हट के क्या लग जाता है, Cl, तो CH3OH हटेगा, Cl लगेगा और प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, और ये रिएक्शन फास्ट होती है, इसमें तुरंत टर्बिडिटी दिखती है। और ज़्यादा डिटेल में अगर हमें देखना है ग्रूव्स रिएक्शन, तो एक नेम रिएक्शन का थ्योरी चैप्टर है जिसमें मैंने नेम रिएक्शन पढ़ाई हुई है, उसमें आप देख लें तो ल्यूकस टेस्ट या ग्रूव्स टेस्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये कि देखिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं, तो सिर्फ ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो आपका फंक्शन अगर हम समझ लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की चीज़ है, कई लोग उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, बट यू डोंट हैव टू क्रैम, यू डोंट हैव टू मग अप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रिएजेंट्स आप अच्छे से कर लें तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना बुक खोले बहुत सारी रिएक्शंस आपकी रिएजेंट्स से ही कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो रिएजेंट्स हैं कुछ, मैंने वीडियो लेक्चर्स थ्योरी वाले में टेबल्स पढ़ाई हुई हैं, आप उनको रेफर करें तो ये रिएक्शंस बहुत आसानी से बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चेन हम लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे।